नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तुम कितने खुश थे ना प्रीति के साथ अमर, पर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो खुश? हाँ अमर बताओ, कहीं कहीं तुम अभी भी उस प्रीति से प्यार करते हो? हाँ कहीं तुम उस प्रीति के लिए मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? तुम इतना लेट क्यों आते हो? हाँ देखो 11 बज रहा है और तुम अभी तक घर नहीं आए। कितनी कॉल की तुमको, हाँ कितनी कॉल की, एक भी कॉल रिसीव नहीं की तुमने मेरी। बुरा लगता है मुझे अमर, बहुत बुरा लगता है मुझे। कहीं कहीं तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो अमर? हाँ अमर कहीं तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो ना? कहाँ थे तुम? हाँ कितनी कॉल की मैंने? हाँ अमर सब ठीक तो है ना? अरे जवाब क्यों नहीं देते? अरे रजनी इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, सांस तो लेने दो। और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? लेट हो गया तो कौन सा पहाड़ फूट गया? एक तो तुम्हें पता है पहले से मैं परेशान हूं, पर से तुम्हारा ये ड्रामा। सच ही सो गई? हाँ सो गई। रजनी एक कप चाय मिलेगी? सर दर्द हो रहा है। आप तो मुझे ठीक से गुस्सा भी नहीं होने देते, इतने प्यार से कौन बोलता है? हाँ आप जाइए रूम में, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हाँ वही तलाक को लेके परेशान हूँ थोड़ा। प्रीति मानी या नहीं मानी? आधी प्रॉपर्टी की डिमांड की उसने कंपनसेशन के तौर पे। या आधी प्रॉपर्टी दूं या उसकी कीमत, तभी तलाक देगी। अम्मा है, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब वो जो गांव वाली प्रॉपर्टी है ना उसे बेच देते हैं। हाँ नहीं रजनी नहीं, पैसे के नाम पे मुझे तुमसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। अमर प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगा। जजमेंट का वेट करते हैं, देखो क्या होता है। हो सकता है 10-12 लाख मामला निपट जाए। 10-12 लाख? हाँ और वो तुम्हारा देवर देवेश, हाँ हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे, आज मिला था, धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था कि तुमसे दूर रहा। लेकिन उसे कौन समझाए कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे और साची से। पता नहीं कैसा अड़ियल इंसान है वो देवेश। पता है जब साची के पिता जिंदा थे ना तब भी वो ऐसी अड़ के बात करता था उनसे। मुझे तो लगता है ना उसकी कंप्लेन कर देते हैं पुलिस में। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक बार मेरा तलाक हो जाए और मेरी तुमसे शादी हो जाए,
फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा, जब तक बर्दाश्त कर लेते हैं इसे भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर दर्द हो रहा है। चलो मैं दबा देती हूँ, चलो सीधा लेटो, आइए। अमर अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। रजनी प्लीज, आज बहुत थक गया हूँ, सोने दो। सोना चाहते हो? सोचो। अमर ने मुझे किस क्यों नहीं करने दिया आज? कहीं वो अब भी मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो बस परेशान है, बहुत टेंशन में रहता है ना आजकल, मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो वकील साहब, जी मुझे अपनी गांव वाली प्रॉपर्टी बेचनी है, जी अर्जेंट है। हाँ वकील साहब बोलिए। रजनी गांव की प्रॉपर्टी बेच रही है। क्या वो गांव की प्रॉपर्टी बेच रही है? अमर अमर कितना परेशान रहता है ना अपने तलाक को लेकर, और अगर उसने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो, और अगर अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो, और अगर अमर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो अमर का क्या होगा? हाँ हमें कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? नहीं 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 नहीं, हमें उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, और कहीं वो प्रीति के पास चला गया तो? नहीं देखो तुम ना हमेशा पॉजिटिव बातें की करो। हाँ और ठीक है, हाँ रजनी। अरे तुम आ गए, ये क्या बड़बड़ कर रही थी तुम? खुद से बातें कर रही थी? बड़बड़ नहीं तो। देखो रजनी, तुम्हारी आदत डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ऐसा क्या हुआ है? हाँ मुझे लगता है साइकेट्रिस्ट को कॉल करना होगा। अरे नहीं अमर, डॉक्टर को घर पे बुलाने की क्या जरूरत है? हुँ? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी बस। नहीं रजनी, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, मुझे उनको बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत ज्यादा बातें नहीं करने लगे हो आप। रजनी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ अब। अरे मैं ठीक हो गई, ये लो। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप घर आ सकते हैं? हाँ जी। ओके थैंक यू। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, आई मीन आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला है। फैमिली की बात करें तो अभी मेरी खुद की एक 10 साल की बेटी है, और ये अमर है, इनके साथ मैं लिव इन में रहती हूँ, पर हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आपके पति का आपके साथ व्यवहार कैसा था? आई मीन आपके साथ झगड़ा करते थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही होता? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक डर है जो आपके दिल में घर कर गया है, एक्चुअली ये एक फोबिया है। अच्छा चलो फोबिया बोलते हैं,
इसमें इंसान को लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। आपके केस में भी यही है। बचपन में आपके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद आपके पति भी एक्सीडेंट में मारे गए। ये सब बातों का आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और आपको लगता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है और आगे भी कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है। एक्चुअली जो चीज़ें हुई नहीं है आप उसे अज्यूम कर लेती हैं और उस पर ओवर रिएक्ट करती हैं। तो डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इट्स नॉर्मल। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें सुबह शाम देते रहिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। डेफिनेटली। रजनी, डॉक्टर ने तुम्हें जब घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था तो तुम साची को स्कूल लेने क्यों आ गई? अरे मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा साची को स्कूल से लेकर आ जाए। रजनी नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ज़्यादातर घर पे रहा करूँगा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने सही बोला था कि तुम अकेले रहती हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में फालतू की बातें आती हैं। तुम्हारी टेंशन कम है, जो एक और टेंशन पाल रहे हो। मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना, खाऊंगी तो एकदम ठीक हो जाऊंगी, तो मेरी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। क्या हुआ मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो सर दर्द हो रहा था ना तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, चलो गुड गर्ल। सो गई? हाँ सो गई। घर में एक और भी बच्ची है, उसे नहीं सुलाने? ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। तुम्हें क्या हो गया था आज? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक निकलोगी। सब तुम्हारे लिए तो है जान। आज तो तुम बहुत अपसेट रहने लगे थे ना, सोचा अच्छा फील करोगे। सच्ची मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो रजनी। ए, मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? हाँ मैं बस चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, तुम्हें मैं कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? और ये बताओ तुमने दवाई खाई? अभी मैंने सुना आप वो गांव वाली जमीन बेच रही हो। हाँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इतनी क्या पैसों की जरूरत पड़ गई आपको? है जरूरत, नहीं बता सकती तुमको। मैं समझ गया, वो अमर, उसे जरूरत होगी ना, उसने मांगे होंगे पैसे, इसलिए पीछे पड़ा रहता तुम्हारे वो। तुम क्या? ये क्या बोले जा रहे हो दिवेश? मैंने रजनी से कोई भी पैसे नहीं मांगे और ना ही कभी मांगूंगा, समझ में आया? ए चुप कर,
अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जैसे लोगों को, भोली भाली औरतों को फंसा करके उनके पैसे में ऐश करते हो। चल बहुत देखे तेरे जैसे। दिवेश कैसे बात कर रहे हो हा? और इतनी बदतमीजी क्यों दिखा रहे हो? अमर सही तो बोल रहे हैं, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे और जायदाद के हक तो मेरा भी है ना। नहीं भाभी, ये आपकी नहीं मेरे भैया की प्रॉपर्टी है और इस पे अगर किसी का हक है तो वो है साची का, और उसका हक मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। और अगर आपको अकेलापन फील होता है तो आप मुझे बोलो, मैं आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढता हूँ अपनी बिरादरी का। और अगर ये दिखा ना तो मैं ज्यादा तुमसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और सुन तू, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो भाभी से दूर रहना, मैं तो बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा। दिवेश, रजनी क्या है ये सब, और ये जमीन बेचने वाली बात क्या सच है? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ जान, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति को डिवोर्स दे दो जिससे जल्द से जल्द हम शादी कर सकें। और तुम पागल हो गई हो हुँ? तुमने कैसे सोच भी लिया कि तुम्हारे दिए हुए पैसे उस प्रीति को दूंगा मैं? हमारा कोई हक नहीं इस प्रॉपर्टी पे, किसी का हक है वो है साची। और रही बात तलाक की, वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। और प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे से ऐसी कोई भी हरकत मत करना कि दिवेश मुझे ऐसी बातें सुना के जाए, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, मुझे धमकी देने की, और उसने अमर की भी इंसल्ट की, तुमने मेरे अमर की इंसल्ट की, हाँ तुमने मेरे अमर की इंसल्ट की, हाँ देवेश तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम। कहीं हाँ कहीं दिवेश अमर के साथ कुछ गलत ना कर दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता, कहीं गुस्से में उसे मार दिया तो? नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं तो सही मर जाऊंगी अमर। मेरे घर पे पुलिस, रजनी ने अपने आप को कुछ किया तो नहीं? सर वो मेरा देवर है, जब देखे मुझे परेशान कर रहता है, अभी उस दिन मेरे घर भी आया था जब रजनी अब... ये कौन? अब सर ये अमर है, अब इन्हीं को तो धमकी दी है उसने। रजनी ये सब क्या है? वो देवेश की मैंने कंप्लेन की है तो इसीलिए, आप बताइए ना कि आपको उसने धमकी दी है। ओ, रजनी तुमने अपनी दवा ली? दवा नहीं, दवा तो मैं भूल गई। अच्छा चलो जाओ अपनी दवा लो, मैं सर से बात करता हूँ। ओके जाओ। ठीक है मैं आती हूँ। हाँ मैं आती हूँ। सर आइए हम बात करते हैं, प्लीज आइए सर, आइए सर। सॉरी सर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रजनी ने आपको परेशान किया। सर रजनी की दिमागी हालत सही नहीं है सर, रजनी खुद चीज़ों को एज्यूम करती है और फिर वैसे ही रिएक्ट भी करती है सर, उसका इलाज चल रहा है। रजनी को कब से जानते हैं? रजनी और मैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी और रजनी की शादी हो गई, पिछले साल उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं रजनी को देखने गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो रजनी की हालत बहुत ख़राब थी। मुझे लगा कि रजनी को सहारे की ज़रूरत है इसलिए मैं वहाँ रुक गया, और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं रजनी के साथ रहूँगा, तब से मैं उसके साथ लिव इन में रह रहा हूँ। तुमने कहा तुम्हारी वाइफ है, वो कहाँ है? प्रीति। हाँ सर वो एक बहुत मॉडर्न लड़की है और मैं बहुत सिंपल, उसकी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर मुझे बच्चे चाहिए लेकिन उसे बच्चों से चिढ़ है, इसी बात को लेके मेरे और उसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ये केस कोर्ट में भी चल रहा है।
बहुत जल्दी मैं इससे तलाक ले लूंगा और रजनी से शादी कर लूंगा। ये देवेश का क्या मैटर है? सर देवेश रजनी का देवर है। सर देवेश को पसंद नहीं है कि मैं रजनी के साथ रहता हूँ, इसलिए आए दिन वो परेशान करता है। सर लेकिन मुझे देवेश से कोई खतरा नहीं है, बस मेरी और रजनी की एक बार शादी हो जाए। लेकिन सर मैं देवेश के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। रजनी का ख्याल रखो, सच में तुम्हारे साथ की जरूरत है। आओ। रजनी, रजनी क्या हुआ? गई पुलिस? हाँ हाँ गई, लेकिन क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ बुलाने की? मुझे लगा कि देवेश कहीं आपके साथ कुछ गलत ना कर दी, इसलिए मैंने बुलाया। रजनी तुम पागल हो गई हो? इतनी छोटी मामूली सी बात के लिए तुमने पुलिस बुला ली? अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछा तो होता। पता है मुझे उस देवेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुमसे है, तुमसे। हाँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हाँ पहले तुमने वो जमीन बेचने वाली बात और आप पुलिस बुला ली। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं। हाँ? तो बोल दो ना, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये फालतू के ड्रामे मत करो। देवेश को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। रजनी, रजनी, रजनी दरवाजा खोलो। रजनी ये क्या कर रही हो? छोड़ो। रजनी ये क्या कर रही थी? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? जब तुम मुझे छोड़ के जा ही रहे हो तो मैं चीखे क्या करूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा, छोड़ दो। मैं कहीं नहीं जा रहा। I am sorry. Sorry. मेरे गुस्से में बोल दिया था, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। वादा करो, वादा करो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, वादा करो वरना मैं मर जाऊंगी। हेलो जतिन, एक आदमी कुंडली निकालनी, अमर नाम है उसका, डिटेल भेजता हूँ देख एक बार।
रजनी। हेलो। ओ हाय अमर। कैसे हो अमर? बिजी हो बीवी और बच्चे के साथ? चलो साची, हम आपको रूम में पढ़ाते। आई। अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब तुम्हें बच्चा चाहिए था और मुझे नहीं। यहां तुमको दोनों मिल गए, बीवी भी और बच्चा भी। नाइस चॉइस। तुम यहां क्या करने आई हो प्रीति? तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? प्रीति, वैसे भी मैं इतनी बुरी तो नहीं दिखती, तुम्हारी रजनी से तो अच्छी दिखती हूँ। फिर क्यों छोड़ रहे हो मुझे? रह पाओगे मेरे बिना? प्रीति, इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है, चेहरे से नहीं। लेकिन ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी। अब ये ड्रामा छोड़ो और बताओ क्यों आई हो। चलो छोड़ो, सीधी बात करते हैं। देखो, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा चाहिए, जो मुझे वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट का फैसला आने में ना बहुत टाइम लगेगा और मेरे को जल्द से जल्द लंदन जाना है। तो एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए देते हो तो मैं डिवोर्स के पेपर साइन कर दूंगी और केस वापस ले लूंगी। फिर रहना आराम से अपनी बीवी और बच्चे के साथ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी से, और जो कोर्ट का फैसला होगा वही मानूंगा, समझे? अब यहां से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। साची सो गई? हाँ सो गई। ओके। और तुमने दवा खाई अपनी? खा ली। इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये क्या है जान? ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अब मैं तुम्हें अपना नॉमिनी बना रहा हूँ। पर इसकी क्या जरूरत है? हाँ देखो रजनी, देवेश और प्रीति मेरे पीछे लगे और मुझे डर है कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हक में हो, ना ही कि वो प्रीति के। इसलिए तुम्हें अपना नॉमिनी बना रहा हूँ। मैं मालूम भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। हम मुझे डर लगने लगा है। और देवेश के बारे में मैंने पहले बोला था ना कि कर देते उसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में। और रही बात प्रीति की, तो उसको पैसे देके ये मामला रफा दफा करते। पर नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। कभी ये सोचते हो कि तुम्हारे ना रहने पर मेरा क्या होगा? रजनी, रजनी प्लीज, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। बस मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और देखो, तुम ही बोलती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के ना चला जाऊं, इसलिए तुम्हें अपना नॉमिनी बना रहा हूं। जब तुम मेरी नॉमिनी बन जाओगी तो मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा सकता हूं, है ना? और तुम्हारे दिल से डर भी निकल जाएगा, है ना? ये लो, इन पेपर्स पे साइन कर दो। रजनी, मैं साची को स्कूल ड्रॉप करूंगा और कोर्ट जाऊंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, दवा टाइम से ले ले। बाय मम्मा। अमर कितना ख्याल रखता है ना मेरा और साची का। मैं ही पागल थी जो उसके बारे में उल्टा सीधा सोचती थी। उसने मुझे नॉमिनी बना दिया, अब तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बस अब जल्दी से अमर का तलाक हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। प्रीति ने अगर तलाक नहीं दिया तो क्या होगा? वो बोल के भी गई थी कि वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली उसको। कहीं वो अमर का मन ना बदल दे। कैसे चिपक कर बातें कर रही थी अमर से। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा।
मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो प्रीति, मुझे तुमसे मिलना है। ये लो 10 लाख रुपए और 10 लाख की ज्वेलरी। पूरे 20 लाख है, इतना ही मांगा था ना तुमने अमर से। आज से ये सब तुम्हारे। अमर को छोड़ दो। अरे मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, पर तुम तो समझदार निकली। अगर पहले ही पैसे तुम्हें दे दिए होते ना तो अब तक तुम दोनों साथ में होते। पर चलो कोई बात नहीं, मैं आज ही तलाक के पेपर पे साइन कर दूंगी, फिर तुम्हारा अमर आजाद, दोनों धूमधाम से शादी करना। ओके बाय। अमर ने मेरा फोन काट दिया, शायद बिजी होगा। हे भगवान, 1 बज गए। साची मेरा वेट कर रही होगी। इस प्रीति के चक्कर में मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। आपने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले? जासूसी कर रहे हो मेरी? हाँ हाँ निकाले थे, तो वो मेरी सेविंग है, तुम्हारे भैया के नहीं। और जरूर वो पैसे उस अमर को दिए होंगे। भाभी हो क्या गया है आपको? माना कि वो आपको कॉलेज से जानता है, लेकिन वो शादीशुदा है और आपने उसे घर में रख रखा है। मैं कह रहा हूं भाभी ये कि एक दिन सब कुछ लूट लाट के चला जाएगा। पता है देवेश, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी का ना नॉमिनी मुझे बनाया, और शायद इतनी वजह काफी है कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मुझे उस पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। अभी जल्दी उसकी सही सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने कुंडली निकलवाई है उसकी। तुम्हें जो करना है करो, पर हमें चैन से जीने दो, ठीक है? अभी अमर आ जाएगा, मैं नहीं चाहती कि फिर उस दिन की तरीके से कोई ड्रामा क्रिएट करो। तो तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से कहता हूँ, बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो भाभी। अमर तुम कहाँ हो? रजनी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। चलो अमर से चलते हैं। तुम्हारे साथ कौन है? हेलो हेलो अमर, हेलो काटिया। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ कर दिया अमर। अमर ने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया? हाँ कहीं वो औरत नहीं, नहीं पर वो औरत कौन थी अमर के साथ? कहीं तो वो प्रीति तो नहीं है? हाँ कहीं अमर प्रीति के पास वापस तो नहीं चला गया? पर प्रीति तो मेरे से पैसे लेके गई है, मैंने तो खुद उसे पैसे दिए। कहीं उसकी नियत तो नहीं बदल गई? हाँ पर अमर को तो नहीं जाना चाहिए था ना उसके पास? हाँ वो तो मुझसे प्यार करता है। अमर मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ। अमर रजनी, रजनी सिर्फ अमर। पर वो क्यों गया उसके पास? हाँ कहीं अमर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? हाँ अमर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है ना? हाँ?
कहाँ थे तुम? हाँ, कितनी कॉल की मैंने तुमको, और वो औरत कौन थी तुम्हारे साथ? कौन औरत? अमर झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे मोबाइल से उसकी आवाज सुनी थी। कौन थी? प्रीति थी ना? सच सच बताओ, प्रीति थी ना? झूठ बोल रहे हो ना तुम मेरे से? हाँ, धोखा दे रहे हो तुम मुझे, क्यों? हाँ, मैं गया था उसे मिलने, तुम्हारी वजह से मुझे उसके पास जाना पड़ा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी इस बचकानी हरकतें बंद करो, लेकिन तुम हो जो मानती नहीं हो। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पैसे देने के लिए? पता है उसने अब तक डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए हैं। बेकार चले गए तुम्हारे पैसे। और वो दिवेश, उसने मेरी सबके सामने इंसल्ट करी है। ये सब जो कुछ हो रहा है ना, इसकी वजह केवल और केवल तुम हो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे इस पागलपन से। पता है मैंने सबसे बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ रह के। हमार इससे अच्छा तो मैं प्रीति के साथ था। कम से कम तुम्हारा ये पागलपन देखने को तो नहीं मिलता। सॉरी, तुमने फोन नहीं उठाया ना तो मैं डर गई थी। क्या डर गई थी रजनी? तुम्हारा ये रोज का नाटक है। अरे बंद करो ये सब ड्रामे अपने। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हमर? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जा रहा हूं मैं। हमर? हमर? क्या करोगे बेची कर? हाँ, मर जाना चाहिए मुझे। हाँ, मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए। हमें क्या मुझे? ये आप क्या कर रहे हो? साची, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जा रहा हूं मैं। रजनी, रजनी ये क्या हुआ तुम्हें? रजनी उठो, उठो रजनी। रजनी ये क्या हुआ तुमको? तुमने ये क्या कर लिया? रजनी उठो, रजनी ये क्या कर लिया? साची, दरवाजा खोल, साची दरवाजा खोल। मैं क्या करूं? पुलिस
साहब ये देखिए, रजनी ने सुसाइड कर लिया। और साची अंदर बंद, दरवाजा अंदर से बंद है, आइए प्लीज। और साची बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। मिस्टर अमर आप बाहर चलिए। बेटा डरो मत, हम आ गए। अनिता इनको बाहर लेके आओ। आओ बेटा डरो मत, आओ। तुम कहाँ थे उस वक्त जब रजनी ने सुसाइड की? सर मैं अपने दोस्त के घर गया था, रात वहीं रुका था। मेरी एक्चुअली रजनी से लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज नहीं जाता। ये क्या हो गया? चाचू, हमने ले मम्मी को मार दिया। क्या बोला सचिन तुमने? हमारे अंकल ने मेरी मम्मी को मार दिया। सच्ची सच कह रही है, तूने ही मारा ना भाभी को? हटाओ। इंस्पेक्टर साहब ये क्या बोले जा रहा है? आप खुद देख लीजिए, रजनी ने सुसाइड किया है। मैंने कुछ नहीं किया। कर साहब ये फ्रॉड है, मैंने खुद पता करवाया है। इसका कोई तलाक वलाक का केस नहीं चल रहा कि भाभी को झूठ बोलता था कि इसका इसकी बीवी के साथ में तलाक होने वाला है। मैं यही बताने के लिए आया था। और हाँ, काफी देर हो चुकी है सर। एक बच्चे की गवाही पे आप मुझे अरेस्ट करेंगे? हाँ बच्ची की गवाही पे तुझे अरेस्ट तो नहीं कर सकते, पर शक के बिना पर तुझे रिमांड पे जरूर ले सकते हैं। फिर अपने तरीके से मैं पूछताछ करूंगा। बोलता है कि तेरा हड्डी तोड़ा शुरू करूं। बोल। हाँ मैंने मारा है रजनी को। दरअसल मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी काफी टाइम से। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था और प्रीति मुझे आए दिन पैसों के लिए ताने दिया करती थी। और जब मुझे यह पता चला कि रजनी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रजनी को अपने प्यार के जाल में फंसाऊं और उसे पैसे बनाए जाए। आखिरकार उसके हस्बैंड ने काफी प्रॉपर्टी की थी उसके नाम, और फिर मैं रजनी के करीब हो गया। मैंने अपने तलाक का झूठा नाटक किया, प्रीति ने भी मेरा साथ दिया। मैंने उसे नॉमिनी बनाने के बहाने पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन ले लिया। बस उसे रास्ते से हटाना था। मुझे उसके दिमागी हालत के बारे में पता था, इसलिए उसे मैं बार बार गुस्सा दिलाता था ताकि वो टेंशन में आए। कल मैंने जानबूझकर कॉल लगाया और प्रीति की आवाज सुनाई। रजनी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। चलो ना अमर कहीं चलते हैं। ये तुम्हारे साथ कौन है? ताकि रजनी गुस्से में आए, टेंशन में आए। और फिर जब मैं घर आया तो रजनी से मैंने लड़ाई की और वहां से रात में चला गया। मुझे पूरा यकीन था कि रजनी सुसाइड कर लेगी, पर जब मैं रात में घर आया तो रजनी जिंदा थी। किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मौका आज मिला। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी। छोड़ दो मुझे, और उसके बाद मैं प्रीति के घर चला गया। मुझे नहीं पता था कि साची ये सब देख रही है।
शेर विजय राम सिंह अरेस्ट करो इसको।